नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला बर्रा थाना के अंतर्गत मेहरबान सिंह पुरवा चौकी के मर्दनपुर गांव में राजकुमारी के मकान में ताला तोड़कर बक्से से पीतल के सामान एवं सोने की अंगूठी, टप्स आदि लाखों का सामान चोरों ने पार कर दिया। वहीं पीड़ित राजकुमारी ने बताया कि लड़की की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करके रख रहे थे। चोरों ने रात में 1 से 2 बजे के बीच सामान पार कर दिया। वहीं SP साउथ ने घटना की जानकारी से इनकार किया। बर्रा थाना अध्यक्ष से बात करने पर उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ितों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वीडियो बनाई, लेकिन क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस गश्त की मांग की और ये भी बताया कि आए दिन यहां पर नशेबाजी का जमावड़ा लगता है और दारू सिगरेट आदि पी के लड़के नशेबाजी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, जिससे आसपास का वातावरण काफी खराब हो गया है। क्या मामला हो गया आपका? अरे घर में हमारे रात में हम थे नहीं, चले गए थे तो सब चोर लोग आके अंदर से ताला वाला सब काट के सामान सब ले गए। कौन सा एरिया लगता है? कौन सा एरिया? मर्दनपुर है। थाना बर्रा। आपने शिकायत की थाने में? शिकायत हाँ की है। क्या बोले थाने में? थाने में बोले हैं कि वहाँ शाम को मुकदमा दर्ज हो गया, FIR शाम को मिल जाएगी। एप्लीकेशन कोई दिए? एप्लीकेशन आ दे, कैमरे में दिखाइए। लगभग कितने सामान पार हुआ है ये हमारा? लमसम एक के ऊपर का 25,000 के थे पीतल के आइटम, बाद बाकी एक आध सोने का। क्या नाम है आपका? राजकुमारी शुक्ला जी। क्या मामला हो गया, क्या बात हो गई? भैया कल यहाँ पे हम सुबह टाइम आए थे कि दिन में नहीं आए, रात में दुकान से 11 बजे आए, तो उसके बाद शादी पड़ गई तो हम लोग उधर चले गए थे। वहाँ से लगते 1 बजे तो वही दूसरी जो घर में मंडी में वहाँ हम लोग रुक गए। उनका सुबह यहाँ जाएंगे तो यहाँ जब सुबह 8:30 बजे आए तो यहाँ पे देखा ताला टूटे पड़े, मेन गेट बंद, फोन दिया सप्ताह टूटे पड़े। फिर हमने फोन करवाया 112 नंबर पे, पुलिस आई, आगे घटना हो गई तो वहाँ पुलिस यहाँ पे आई, इंक्वायरी किया, फोटो खींचा, सब पूछा देखा। तो पुलिस ने आपका क्या सपोर्ट किया? सपोर्ट क्या क्या लिवा ले गए चौकी जी। लगभग लगभग कितने का सामान पार किया चोरों ने? लगभग पीतल का सामान सब था, लड़की शादी के लिए हम इकट्ठा कुछ किए थे, कुछ हमारा भी था पीतल का, तो अच्छा लगा। और एक रिंग थी मेरी और टॉप से। तो क्या कुछ आइडिया बताई कितने का होगा सामान? लगभग वही लमसम लाख के अंदर था। अच्छा अच्छा, किसी पे शक है आपको? अब शक क्या, हम यहाँ पे आए अगर बल ये जाके पूछे तो पीछे जो हमारा मकान, उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ 1 बजे 2 बीच की आवाज़ें खुबा रही थी खटर खटर, और सामने जो भैया चट्टा वाले रहते हैं उनको हमने बुला के पूछा तो उन्होंने कहा तुम्हारी लाइट जल रही थी कमरे की, लाइट वाइट सब बंद कर। जैसे अभी यहाँ पे पता चला कि आपके पड़ोसी के यहाँ भी चोरी हुई है, कैसा? सही है? हाँ सही है। और मेरे यहाँ पूरा गांव इकट्ठा होकर सब लोग देख गए, पूरा घर देख चुके, पुलिस वाले सामने दीवान जिया थे, कांस्टेबल थे और जो गाड़ी चलाते हैं मेरे ड्राइवर भी थे, पुलिस गाड़ी यहाँ चौकी की आई थी। अच्छा, जो दूसरे मकान में चोरी वो आपके मकान से कितने कदम की दूरी पे होगा लमसम? यार पहला मकान पड़ जाता उसके आगे 200 कदम पर। अच्छा अच्छा ठीक है। और आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम अभी नया मकान बनवाए, यहाँ पे हम गृह प्रवेश किए रहना रह रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के गांव के सब आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाड़ी गलौज करते हैं, शराब पीते हैं और बोतल फेंकते हैं और जो है कि मोबाइल चलाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं। यहाँ पे पुलिस वालों को गेस्ट होना चाहिए गश्त लगाने के लिए, यहाँ कोई पुलिस वाले नहीं आते हैं, जरूरी गश्त लगाना तो चाह रहा हूँ जरूर लगना चाहिए, और यहाँ पे फालतू के लोग बैठना नहीं चाहिए। एक खंभा है बिजली का, उसमें चढ़ने का डर है, और नीम का पेड़ भी है, उसको हटवाना चाहिए। क्या नाम है आप? विवेक शुक्ला जी। विवेक जी, क्या मामला हो गया था? मामला रात में जब यहाँ आए थे तो लाइटें तो सब खंभे जल रही थी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जब सवेरे उठे हैं 4 बजे सानी मशीन लाने के लिए, अच्छा अच्छा, तो जब निकले तो सब लाइटें पूरी बंद थी यहाँ। जी जी जी। तो जब भैया हम अभी सुबह जब आए, सुबह में पता लगा कि यहाँ ताला टूट गया, चोरी हो गई यहाँ पे, रात में नहीं पता लग पाया। जी। हम समझे रात में कि एक फेस लाइट चली गई इसलिए लाइट नहीं आ रही है, लेकिन सवेरे जब पता लगा यहाँ चोरी हो गई। चोरी के आपके बगल में हुई? मेरे जस्ट बगल में हुई। हमारा नाम कुसुम तिवारी है। क्या मामला है? मेरे डकैती का मामला है। हम परसों 26 तारीख को हम कन्नौज चले गए थे। कन्नौज से हम 26 को हम गंगा नहा के स्नान करके वहाँ से तिरुआ आए, और तिरुआ से हमने वहाँ कन्नौज में एक रात वहाँ रुके, और तिरुआ आए, तिरुआ से फिर वहाँ रुक गए अपने ससुराल में, ससुराल से आज सुबह आए। रास्ते में हमको पता चला मेरे यहाँ डकैती पड़ गई, अंदर का ताला टूटा हुआ, तौड़ी से कूटा है ताला, तब ताला तोड़ पाया उन्होंने। आपके यहाँ लगभग क्या क्या गायब हुआ है? हमारा लगभग इतना गायब हुआ है जितना मेरा पुराना जेवर था, मेरे सास के हाथ का उतना हमारा पूरी 2 तोला का हार था। हमने अभी जेंट्स लेडीज एक अंगूठी अभी बनवाई थी हमने, लगभग वो 550 ग्राम की थी अंगूठी,
5 ग्राम, 5.5 ग्राम की अंगूठी थी। दो लेडीज है, एक जेंट्स अंगूठी चली गई, एक जेंट्स जंजीर चली गई, और एक झुमकी थी, एक झाला थे, पायल बिछुआ दोनों मिला के। किसी पे शक है आपको? अब हमने जब देखा, हम गरीब नहीं थे, हम सब किस पे शक के बुनियाद थे, हम किसको ले ले। अच्छा, आपने खाने, हमको अनुमान है कि किसी ने जासूसी दी है, बाहर वाला कूदा है, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम है, किसी को ये नहीं मालूम है कि ये इतने दिन के लिए जा रही है, यहाँ से कब गई है। आपने प्रशासन से पुलिस में कुछ लिख के दिया, कोई एप्लीकेशन दिया? हमने ये एप्लीकेशन बना के दी है। कैमरे में दिखाइए। जितना मेरी पहचान का सामान था, पहचान चली गई। जितने मेरे पीतल के बर्तन बंटवारे में मिले थे, सारे बर्तन पीतल के चले गए, एक भी बर्तन नहीं घर में बचा। ऐसा अन्याय होगा, ऐसे अत्याचार में कौन रहेगा? आप पुलिस, आप थाने से क्या आश्वासन मिला आपको? थाने से हमको ये आश्वासन मिला कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जा यहाँ तो खुद इतनी अंदर से हम टूट चुके हैं, हम कहाँ कहाँ दौड़े घूमे, कहाँ जाए हम, ठीक हम जाने की स्थिति में नहीं है कहीं। ठीक।